कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ऑलरेडी 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे लूप। क्या स्टडी करेंगे? लूप। देखिए पाइथन के अंदर लूप दो तरीके के हो सकते हैं, व्हाइल एंड फॉर लूप। पहले कौन सा स्टडी करें? चलिए पहले पिक करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप का पहले सिंटैक्स देखेंगे फिर वर्किंग देखेंगे। तो फॉर लूप का सिंटैक्स है ये, पहले लिखेंगे फॉर, इसके बाद कोई भी वेरिएबल जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, फिर लिखेंगे इन, और यहां पर कोई भी कलेक्शन या ग्रुप जिसके अंदर बाकी सारी वैल्यूज आपकी पड़ी हुई हैं। इसके बाद ये कॉलन लगाएंगे, एक टैब स्पेस देंगे या फोर स्पेस बार प्रेस करेंगे। इसके बाद जो भी आप कोड लिखेंगे ये कंसीडर होगा कि ये इस लूप के अंदर है। जो टैब स्पेस से बाहर होगा इसका मतलब ये लाइन लूप के अंदर नहीं है, राइट? तो ये है सिंटैक्स। आइए देखते हैं इसकी वर्किंग। वर्किंग के लिए आप देखिए कि यहां पर जो आपने कलेक्शन दिया है जहां पर ग्रुप ऑफ वैल्यूज आपकी पड़ी हुई है, ये लूप क्या करेगा, यहां से पहली वैल्यू निकालेगा और ले जाकर के इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब आपने ये जो कोड लिखा हुआ है इसके अंदर इसका कुछ यूज कर रखा होगा, जो भी यूज करना है आप इसमें यूज करेंगे। इसके बाद कंट्रोल यहां से कहां चला जाएगा, वापस लूप में इस कलेक्शन के पास जाएगा और सेकंड वैल्यू निकालेगा। सेकंड वैल्यू निकाल करके क्या करेगा, अब इस वेरिएबल के पास सेकंड वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद बाकी का कोड एग्जीक्यूट होगा, इस कोड के अंदर आपने इस वेरिएबल का जो भी यूज कर रखा होगा उसके अकॉर्डिंग ये कोड एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद कंट्रोल यहां पे पहुंचेगा, यहां से कहां जाएगा, वापस इस कलेक्शन के पास पहुंचेगा और नेक्स्ट वैल्यू निकालेगा। इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक इस कलेक्शन के अंदर या ग्रुप के पास वैल्यूज पड़ी हुई हैं तब तक ये चलता रहेगा। जैसे ही लास्ट वैल्यू फिनिश हो जाएगी उसके बाद भी यहां पर जाएगा, लेकिन चेक करेगा कि अब और वैल्यूज नहीं है तो कंट्रोल इसके बाद बाहर आ जाएगा और बाकी का जो नीचे वाला कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, राइट? तो ये थी इस लूप की वर्किंग। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो कलेक्शन है यहां पर, ये जो ग्रुप ऑफ वैल्यूज है यहां पर आएगा क्या? तो मैं आपको बता दूं पाइथन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिन्हें यहां पर लिखा जा सकता है, जैसे कि लिस्ट, टपल या डिक्शनरी। इसके अलावा आप रेंज जनरेटर भी यूज कर सकते हैं। रेंज जनरेटर क्या होता है? ये आपको सीक्वेंस जनरेट करके देगा कुछ नंबर्स का। कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं। रेंज के लिए आपने क्या करना है, आपने लिखना है रेंज राउंड ब्रैकेट, जहां से आप अपनी रेंज स्टार्ट करना चाहते हैं, कोमा, जहां तक आप इस रेंज को लेकर के जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा रेंज 1.5, तो ये नंबर जनरेट करके देगा कहां से, 1 से लेकर के 4 तक। जी हां, 5 को एक्सक्लूड करेगा ये। जो नंबर आप लास्ट में मेंशन करते हैं उसे एक्सक्लूड करता है, जो स्टार्टिंग में यूज करेंगे उसे इंक्लूड करेगा। तो अगर 5 तक जनरेट कराने हैं तो आपको यहां पर 6 लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब आप बताइए, मैंने लिखा रेंज 5.12, अब बताइए कहां से कहां तक जनरेट करेगा ये? 5 से लेकर के 11 तक नंबर जनरेट करके देगा, क्योंकि 12 को एक्सक्लूड करेगा। अगर मुझे 12 तक लेकर के आने हैं तो मुझे यहां पर 12 की जगह 13 मेंशन करना पड़ेगा। आप रेंज को और भी तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा रेंज 1.12 और उसके बाद दे दिया 2, तो अब ये 2 के स्टेप से जनरेट करके देगा, यानी पहले 1 फिर 3 फिर 5, इस तरीके से ये नंबर जनरेट करके देगा आपको। अगर आप कॉमे के बाद नहीं मेंशन करते कितने स्टेप के बाद नेक्स्ट नंबर जनरेट करना है तो ये सीक्वेंसली एक एक के बाद जनरेट करता रहेगा। चलिए देखते हैं अब इस रेंज को लूप के अंदर कैसे यूज करेंगे। तो लूप देखते हैं, मान लीजिए मुझे प्रिंट कराना है 5 से लेकर के 10 तक काउंटिंग, तो मैं लिखूंगा 4, यहां पर वेरिएबल का नाम कुछ भी, जैसे मैंने ले लिया आई, इन, और यहां पर मुझे कलेक्शन चाहिए, ग्रुप ऑफ वैल्यूज चाहिए, तो मैंने यहां पे लिख दिया रेंज 5.10। अब यहां पर कॉलन, इसके बाद मैंने प्रिंट किया प्रिंट आई। अब देखिए क्या होगा, पहले इस कलेक्शन में से क्या निकलेगा, 5, आई में स्टोर होगा, आई प्रिंट हो जाएगा तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा 5। इसके बाद कलेक्शन से नेक्स्ट वैल्यू निकलेगी क्या, 6, और 6 जाकर के किस में स्टोर होगा, इस आई में स्टोर होगा, प्रिंट हो जाएगा क्या होगा 6। इसी तरीके से 7, 8, 9 कहां तक, बस 9 तक, क्योंकि मैंने 10 मेंशन किया तो 10 को एक्सक्लूड करेगा, तो आउटपुट आ जाएगा आपका 5, 6, 7, 8,